हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो में। सो गाइस, आप लोगों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों से बताई थी कि मैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने जा रही हूँ, और शॉपिंग करने गई बट कुछ खास वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि अकेले रहती हूँ तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाती हूँ। इसके लिए शॉपिंग में मैं क्या खरीदी थी, क्या खरीदारी की थी, वो तो आप लोगों को कुछ मैं दिखाई ही नहीं। आप लोग बोलेंगे शॉपिंग रक्षाबंधन की करने गई थी और कुछ हम मुझे दिखाई नहीं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं शॉपिंग करके क्या लाई थी। सो गाइस, अब हम चलते हैं शॉपिंग कर, जो लाए हैं वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये रहा पूरा आरुष का है ये, और प्लस ये रहा हमारी बुआ जी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों से, आप लोगों को दिखा रही हूँ सब आरुष पूरब के लिए रक्षाबंधन की शॉपिंग, ताकि वही वो लोग राखी पर पहन के अपने दीदी से गुड़िया से बंधवाएंगे राखी। और गांव से भी राखी आने वाली है, बहुत सारी उसके पास बहनें हैं तो सब लोग राखी कुरियर किए हैं। अभी देखते हैं किसका किसका राखी पहुंचता है यहाँ, देखते हैं किसका किसका राखी बच्चों के हाथ पे कलाई पे बनती है। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ बच्चे लोगों का कपड़ा दिखाने के लिए। सो ये रहा आरुष का जींस, और ये रहा हूँ उनके लिए मैं ली हूँ डेनिम, मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चे लोग को नहीं पसंद है बट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ तो जरूर से जरूर एक लेके आती हूँ। और मेरे बच्चों का फेवरेट कलर पता है, ब्लैक। दोनों बच्चे जब भी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए ना, तो जरूर से जरूर ब्लैक कलर का टी शर्ट लेंगे, और दोनों मेरे बच्चे मतलब दोनों बच्चे सेम टी शर्ट लेंगे। तो पूरा भी इसी में का लिया है, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी आगे। अभी बच्चे लोग ज्यादा खेलने लगे हैं, स्केटिंग चलाने लगे हैं, तो उन लोगों को जींस जमता नहीं है, वो सब जींस पहनना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि प्रॉब्लम होती है स्केट करने में। तो आरुष के लिए मैं लाई सॉफ्ट सॉफ्ट लोअर, क्योंकि अभी वो खेलने लगा है ना, स्केट चलाने लगा है, तो जैसे स्केट चला गया उसको टाइट टाइट लगता है ना, तो बहुत गुस्सा होता है, मम्मी इतना टाइट क्यों लाती हो, अब से लाना नहीं, ऐसा ऐसा करके गुस्सा करता है। तो इसलिए मैं लाई हूँ उन सबों के लिए क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोअर। और अभी मैं आप लोगों को पूरब का भी दिखा रही हूँ। आरुष के लिए तो मैं ली, ये भी आरुष का ही है जींस, ये है आरुष का जींस। और ये है मेरे पूरब बेटा का, पूरब के लिए भी मैं दो जींस ली थी, ये रहा पूरब का जींस, दो ली थी। और पूरब सिर्फ एक टी शर्ट लिया है, क्यों, क्योंकि वो दिवाली में ढेर सारे कपड़े लेने वाला है। दोनों सेम ही मेरे बच्चे लिए हैं। और अब आई बुआ जी की बारी, बुआ जी के लिए मैं बहुत सुंदर सी साड़ी लेके आई हूँ, बहुत सुंदर सी, बहुत प्रीति, बहुत ही प्यारी साड़ी है गाइस, बहुत प्यारी साड़ी है। मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, एकदम हल्का और बहुत सुंदर है। ऐसे तो फोन में उतना अच्छा दिख नहीं रहा बट, लेकिन ना ये बहुत सुंदर है। और बुआ जी के लिए मैं और कुछ लाई हूँ, बहुत सारा सामान लेके आई, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये रहा मेरी बुआ जी के लिए चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, सब कुछ सिंगार का सामान भी लाई हूँ गाइस अपने लिए। लेकिन इतना सारा शॉपिंग की, अपने लिए मैं कुछ नहीं ली हूँ, अपने लिए सिर्फ ली हूँ ये चूड़ी, क्योंकि इसकी साड़ी मेरे पास है। अभी मैं कथा सुनने वाली हूँ सत्यनारायण भगवान का, तो उस पर चूड़ी पहनने के लिए लाई हूँ। कंगन तो मेरे पास था पहले ही, मैं शॉपिंग कर ली थी इसके लिए, और यही सब शॉपिंग की थी अभी फिलहाल। और अभी तो मैं अपना शॉपिंग तो थोड़ा टाइम बात करूँगी, क्योंकि अभी हमारा आने वाला है तीज, करवा चौथ, दिवाली और छठ, तो मेरी तो शॉपिंग हर महीने चलती रहेगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
गांव भी जाएंगे तो सब शॉपिंग करेंगे, मज़ा आएगा। और गांव जाने का तो मज़ा कुछ और ही रहता है मायके। सो गाइस इतना ही शॉपिंग था। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरा शॉपिंग किया हुआ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो भेजती रहूंगी और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।